खास तौर पर बेगम साहबा वास्ते ना बड़ी ही वड्डी खुशखबरी है। अलहमदुल्ला जी, काफ़ी सारा इंतजार करने तो बाद साडा नाश्ता आ चुका है और सारे ठीक हो गया और तुसी साडे वाले नाल ही जाना है ना। हाँ, बेगम साहबा नु कहा कि दुध वगैरह जिहड़ा है ना पता करो, बल्कि दुध ते आपां कह गए सी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, की हाल है सर बनवीर जी। फाइनली जी असी निकलन लगे हैं, रात नूं तुहानूं दस दित्ता सी बेगम साहबां वी कह रही थी कि जिहड़ा है ना आपां घर ही चलते हैं और रबिया मतलब साडा सारयां दा प्रोग्राम ही बन गया सी कि घर ही चलते हैं और हुण घर जाण दी जिहड़ी ना साडी तैयारी चल रही, क्योंकि एक तो मौसम ही खराब सी और जिस काम आए सी उह साडा काम भी हो गया। तो 12-1 बजे जिहड़ा है ना समझ लो कि मोटरवे खुलता है और उस तो बाद इतों निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जरा टाइम ज़ाया होता, इसे सोचा कि फिर कद जो घूम फिर लाँगे, क्योंकि जिस काम आए थे वो तो हो गया ना घूम फिरन ना, तो बस जस्ट असी समझ लो कि घरों निकल पाए थे ना, तो सोचा थोड़ा बहुत घूम फिर लवेंगे, तो बर्फ जी ना मरी पै क्यों नहीं रही, उधर ही कैंसल हो गया, फिर पेशावर जाओ से उधर भी कैंसल हो गया, हूँ फाइनली कार की पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, चलिए। हाँ, बाकी मेरे ख्याल है बाहर निकल गए ने, अगर नहीं निकले साढ़े बैग वगैरह भी इतने आए पे ने, और बाकी ए आला मेरे ख्याल इन एक ना हैप्पी जॉइंट आना दिया गया भाई तारे को, अच्छा अच्छा ए आला ठीक हो गया, ए आला बॉक्स है ना भाई तारे का, मेरे ख्याल है ये भी चल के उन्होंने देने और देखते हैं भाई तारे को भी आ गए कि नहीं आए, और मेरे ख्याल आवाज़ आ रही है भाई तारे को ही अहमद होर के रूम के जरा है बैठन, क्योंकि उपर आए उपर वाली सैड से अगे असी थले आ गए से। क्योंकि भाई साहब चलो रेपुटेशन पूरी हो जाए ना, तुसी भी डायरेक्ट घर ही जाओगे, असी भी गारे निकल लगे इंशाल्लाह, पैसे देन लगे भाई साहब और जेड़ा कहना पर असी नहीं मिल रहे इत्थे ही होना कित्थे होना, लै वाह 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 सराने दे विच पा के जा रहा सी, अच्छा नाश्ता अगे चल के करांगे ना, देने ना होटल पैसे वगैरह निकलिए, तुसी सारी तैयारी कर ली ना, हाँ, चलो तो समान भी कौन से के जांदे पे, बस ले आओ समान थले फिर ही वेख लैने ना रूम दे विच कोई चीज साडी रह ना गई होवे, बच्चियां देखो चॉकलेट चुकलेट खा के की कर दिता है कमरे का, सारी रिसर्च की कुछ भी नहीं मिले, सारे बाहर निकल गए ने, मैं सारे तो जो है ना एंड ते आ रहा, की चाहिए पैसे चाहिए, पैसे यार ना मेरे खत्म हो गए ना, मैं लै आवा जाके बैंक चो हूने आ जाना, चल आ जा तू भी लैन ते आ जा, चल आ जा हूने आ जाने भाई तुम दे दें, और होटल गेट पर रह रहे तुम दिखा दें सारिया फैमिलियां बाहर हो चुकी ने और होटल डेज इन, और दूसरी तीसरी बारी इतने असं आए हैं उनकी वजह है कि भाई और जेड ना काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करते हैं साढ़े, इस करके बार बार इतने ही आने। अलहमदुल्ला जी घर निकल चुके हैं और देख रहे हैं रस्ते भी कोई ऐसी शॉप वगैरह हो, नाश्ता वगैरह भी ना हाले हूँ करना, टाइम ही काफ़ी ज़्यादा हो गया, नाश्ते की वजह तो बेगम साहबा की तबीयत ही खराब हुई खड़ी है, चल आ जाओ चलिए नाश्ते वाली जगह रुके, इतने रुके चलो नवाज भाई की एक आदत है इनके घर में भी हम रहे नाश्ता करने के बाद ये मीठा लाजमी खाता है, मिठाई जरूर खाता हूं मैं, रोटी खाने तो बाद भी नाश्ते कोई चीज ही खानी है ना मीठा जरूर खाना, चल आ जाओ अंदर आए सी, इन्हों जगह जी सही नहीं लगी मसल सीटा वगैरह थोड़िया है, सोचा कि बाहर रोड से बह के नाश्ता करते हैं, फिर फाइनली अलहमदुल्ला जी काफ़ी सारा इंतजार करने तो बाद साडा नाश्ता आ चुका है और सारे बच्चे भी मसा हो गए, 1 बजे साडा नाश्ता चल रहा है घर में ही, 1 बजे नाश्ता होंगे तो फिर, लेकिन बच्चों का हूँ मेरे ख्याल स्कूल खुल जाने ने 1 तरीक नो बच्चे जावे स्कूल, और असी जिहड़ा है ना काफ़ी सारे घर के काम ने और असी तो मझ मुझ जी लैके आनी आ और काफ़ी सारे काम ने इंशाला, लाहौर वापस आना 1-2 चक्कर लगने ने, तो उस तो बाद इंशाला फिर असी जिहड़ा है ना फरी हाँ, और नाश्ते विच आमलेट चाय
और नाल पराठे। आइंदा काम चेक करो। जूस पिला मैं नाश्ता नहीं करना और अंडा परोठा नहीं। जूस पीना है। जूस नाश्ता कर ला फिर जूस ही तन ले आ देवांगे। पापा कह रहा है नाश्ता कर लो तो बाद है तेरे ना मैं जूस ही लाए दे। हां ठीक है ना। की ख्याल है मोटरवे दे ऊपर ट्रैफिक जाम हुई पया दूर दूर तक नजर आ रही है। पता नहीं अगे मसला की होया कोई पता नहीं है। अगे वाली साइड ते धुंध भी है हो सकता है कि धुंध की वजह से जड़ा है ना ब्लॉक किया हूँ लेकिन अल्लाह खैर करे कोई वैसे कोई मसलन परेशानी वगैरह ना बनी हो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इतने खड़े हुए हैं। साड़ी गड्डी खड़ी हुई है भाई अहमदोरी जोड़ा है ना पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे ख्याल साढ़े से। काफ़ी सारा इंतजार करने तो बाद जोड़ा है ना हूँ ट्रैफिक खुली है और सूरज भी निकलिया है लेकिन धुंध है काफ़ी सारी। देखो मेरे ख्याल धुंध की वजह तो ही रोड जोड़ा है ना ब्लॉक है सी। मोटरवे तो गड्डियाँ सिर्फ और सिर्फ की स्पीड 30-40 की स्पीड जा रही और साढ़ा 100% जोड़ा है ना इरादा घर जाने का सही रहा क्योंकि अगर असी चले जाते ना पिशावर वाली साइड तो 2-3 दिन पिशावर पहुँची आए ना क्योंकि अज तो नामुमकिन से बिल्कुल अगर अस पिशावर जाते भी ना तो बिल्कुल अज नहीं पहुँच सकना सी पिशावर 2 दिन पक्के सानू लग जाने से। असी इतने रेस्ट एरिया तो रुके हाँ तोते है सी भाई साहब उन्होंने अपने ना गुल मुल याद आ गए इतने वे इतने व्डे अपनी वाले गानिया नहीं निकलिया देख काले रंग की और जी उपर गुलाबी गुलाबी हैगी है ये हले रही है ना और थले फीमेल दोनों ही है मेरे ख्याल मेल ने दोनों फीमेल रेड ब्लैक है नहीं बोलता अपने वाले बोलते ना रुके हुए हैं जी। ये कौन सा रेस्ट एरिया नवाज भाई जड़ा वाला तेरे इलाके का तेन पता नहीं है जड़ा वाला रेस्ट एरिया माशाल्लाह काफी बड़ा है जी काफी बड़ा है। तीनों गाड़ियां यहाँ पर रुकी क्योंकि यहाँ से फिर जो है ना साढ़े फैन मिले ने अच्छा मजे की गल है सर सर की जी जी फैजान ये अहमद भाई और नवाज भाई ये मुझे मिले जड़ा वाला रेस्ट एरिया अचानक तो उधर हम कुछ खा पी रहे थे तो ये वीडियो आएगी आपने वीडियो देख हाँ जी अच्छा आपके बच्चों का पैगाम आपने खुद दे दिया बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। वो कहते हैं पापा जब उधर चलो तो हमें अहमद भाई के पास और नवाज भाई के पास घर ले चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह जो तो दिल करे जाओ कम सही ठीक है नंबर ही दे दे नंबर ले असी पहुंचे हैं जी बिल्कुल घर के नज़दीक और भाई तारे को चलिया जाना जी अपने घर वाली साइड से अगे साढ़े घर तो तकरीबन का इन्ना ज़्यादा सफ़र तो नहीं है लेकिन हाँ घंटा अगे लग जाना है और सानू भाई जान तुसी इजाजत दो क्योंकि असी मुड़ जाना अपने वाली घर साइड से ठीक है हाँ मुलाकात तो इंशाल्लाह होंगी रहेगी ठीक है ना ठीक हो गया और तुसी ते साडे वाले नाल ही जाना है ना हां नहीं ऐसा इन्हें निकल गया सामान तेरे घर पे बस बाकी सामान छोड़ गया सही ठीक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलो ठीक है जी हुन हुंदी है मुलाकात घर चल के इंशाल्लाह सारे निकल जांदे ने असी जेड़ा है ना सब तो एंड ते चलदे आ लेट हो जांदे आ क्योंकि साडे बच्चे छोटे-छोटे ने ते बैठदे आ बैठदा काफी लेट नहीं करदे चलो चलो हां अब्दुल हादी मेरे को आ गए अलहमदुल्ला जी घर पहुंच चुके हैं और घर आंदियां लाई सब तो पहले तो मैं परिंदे आके वेखे ने और उस तो बाद जड़ा ना कमरे वगैरह चेक किए मैं कोई चीज़ अगे पिछे लेकिन अलहमदुल्ला जी घर बिल्कुल सेफ खैर खैरियत लेकिन असं जान लगे भी झाड़ू वगैरह कोई नहीं देखे तो झाड़ू वगैरह वहीं पे होया बेगम सर ने कहा हूँ झाड़ू वगैरह सफाई की कोई लड़ नहीं है और खाना वाना जोड़ा है समय लोग असी कुछ रस्ते में खाया सी और थोड़ा बहुत जोड़ा है हूँ बेगम साहब ने कहा तो है मैं रोटियां पका ला तो बाकी सालन जो होटल तो लैके आने तो हूँ सोच रहा कि रोटियां भी तो सालन दोनों चीज़ा होटल तो लैके आने क्योंकि मैं होटल की जी रोटी है ना मेरे को नहीं खाई जाती चीड़ी बड़ी होंगी और बेगम साहब पुलाव पका लीजिए चलो मेहमाना को पूछ ले भाई अहमद दोनों को पूछ लो ना अखे जी आप चावल पका ले नहीं 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 पता की है थके हो ना मेरे ख्याल रहन दीजिए बिल्कुल अलहमदुल्ला जी ठीक ठाक फिट फाट ने मोटू पतलू
और बाहर निकले फिर सी आ जाओ मिठू, हाँ इधर बैठो इधर बैठो, क्या हाल है, ठीक हो मिठू, अस्सलाम वालेकुम, चलो बैठो इधर, हाँ बहुत सियाने हो गए ने, बड़े सियाने हो गए ने, हुण ना फौरन आ जांदे ने, देखो ओए चक्की नहीं मारनी, ए गुस्सा कर रहा हुण, तू भी आना, चल आ जा आ जा, तैनू बुलाया नहीं, वेखना वो चक मारदा वे मैनू, वैसे गुस्से हो गया, बस हुण नहीं, हुण गुस्से हो गए ने मेरे तो, बाकी सेव वगैरह मैं रख गया सी, मतलब खाण पीण कोई चीज़ नहीं मुक्की है, ठीक है, और इन्हें दाने खत्म होए पर मेरे ख्याल है इन्हें नवे पा देने, अच्छा मैं फिर चलना है समान वगैरह ले आवां, चलो खेलन दे बच्चों नूं, कोई मसला नहीं, और इत्थे आंदे आंदे बिल्कुल सूरज ग्रूब हो गया, बिल्कुल शाम हो चुकी है, और आंदे ला मैं ना खरगोशन बाहर कढ दिता सी, मैं थोड़ा जिहा ना घूम फिर लवणगे ना, तो चौकस रहणगे, एनर्जी आवेगी इन्हां दे विच, और अलहमदुल्ला जी जिस काम वास्ते गए सी ना अलहमदुल्ला सारे काम सक्सैसफुली हो गए, लेकिन काफ़ी सारे जिहड़े हैगे ना रात नूं कमेंट आ रहे सी कि नवाज भाई वैलकम पिशावर, वैलकम पिशावर, वैलकम पिशावर, लेकिन काफ़ी सारे बहन भाई हुण अज दा व्लाग वेख के नाराज़ भी होवणगे कि नवाज भाई सी तां इंतजार कर रहे सी, और कोई एक दो फैमिलियां नाल रबता भी हैगा सी पिशावर के, अगर पिशावर जाते तो उन्हां नाल मुलाकात होनी सी, लेकिन जिस वजह तो नहीं आ सके, तुसी रस्ते में देखिया होना है बहुत ही ज़्यादा शदीद धुंद, जिंदी वजह तो ट्रैफिक जगह जगह पर जाम, आस्ता आस्ता ट्रैफिक चल रही थी, और मसलन अगर असी पिशावर जाते हैं तो दो तीन दिन सानू पिशावर जांदियां जांदियां ही लग जाने, इसे करके फिर असी कैंसल किया कि मौसम जेड़े है ना ठीक नहीं है, बेगम साहबा कह के दुध वगैरह जेड़ा है ना पता करो, बल्कि दुध तो आप कह गए ना, हाँ बई बरार नू पिया होना, बल्कि फ्रिज जक देख तो सही, हाँ अगर पिया है तो चाय वगैरह बना मेहमान, ठीक है, हाँ कोई नहीं हो पिघल जाएगा, बाहर कढ़ के रख दे, एक गल मैं कहनी भुल गया सी, इनशाला इनशाला कल ना सब तो पहले, अज ते नहीं क्योंकि अज तो शाम हो गई, कल सब तो पहले ना एक काम होना, क्योंकि मेरे भाई की फरमाइश है कि नवाज भाई सारा घर तुम जगह बना लिया, एक काम नहीं किया वो वाला है की कहते दरवाजा, कल भी सानू शिकायत लगी है, तो इनशाला इनशाला दरवाज़ा जेड़ा है ना हूँ लवा देना, सुबह इनशाला मिस्त्री जरूर आएगा, बल्कि हूँ रोटी लैन जाना है ना, तो मिस्त्री कह जावे कि लाजमी जेड़ा है ना सुबह तू हर हाल आना है, क्योंकि इनकी कटाई वटाई करनी है ना, कटाई करके उत्तों जो वध्या खड़ा है ना ये थले होगा, क्योंकि ए वाली थले वाली साइड से ए पट्टी बनाई सी ना पै वगैरह पाया से, तो उनकी वजह तो यह नुक्कर जी अड़ती है, ए थले वाली साइड तू जगह बजती हूँ, यह इन्नी सारी नुक्कर कट्टनी पैगी, दरवाज़ा थले आएगा और ये लगेगा, और यह देखो ना इन की कहते हैं यह भी पटना पैना, मसल दोबारा सारा इन दोबारा लाना पैना, और यह चौधरी के काम चेक करो तुम, हैलो की हो रहा है भाई साहब, हो रही मैं लभ रहे हैं, हाँ जी भाई जान अस्सलाम वालेकुम, हाँ लाइट बाल बिजली कोई नहीं आई, हाले भी बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, अच्छा चलिए आप रोटी रूटी ले आई है, बच्चों की भुख वगैरह होगी, ठीक है, असी ना शहर पहुँच गए, होटल तो जनरेटर चलिया हुआ, बिजली इतने ही कोई नहीं है, और आर्डर वगैरह खाने का दे दिता है, और सानू भुख लगी हुई सी, असी सोचा जिनी देर सालन वगैरह तैयार होंदा उन्नी देर कोई चाह पानी कर लें, तो समोसे मंगाए ने एक एक जिहड़ा है ना, रोटी अलहमदुल्ला लेके आ गया, और हुण जल्दी जल्दी रोटी खा के ना सौण दी करना है, क्योंकि ना थके हुए बहुत ज्यादा है, दिल करता पिया, अखां जिहड़ियां बंद होने जा रही ने, बल्कि हाइड रखना है, अर्जेंट दसना नहीं है ना, मैं फिर जरा कहना बन जाना, हाँ वो फिर असी जरा ना बाद डिसाइड करांगे की करना है, हाँ 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ जी हाँ जी,
बेगम साहबा ने आंदा लाई मैनू ना उलामा दे दिता है कि टूटी जी तू हाले तक नहीं कसी हूं ना इंशाल्लाह रोटी खाने ने तो टूटी कोशिश करने से कसन की अहमद भाई भी है क्योंकि असल तकनीक होंगी कसन की दो इनके नाल मिलदिया ने नौजलों दी बल्कि तुम विखाना पईया हुई ने उन्हों की एडजस्टमेंट करना लेवल बराबर करना मैनू नहीं आता इस करके मैं नहीं इन्हों कस रहा दोबारा फिर मैं मिस्त्री खोल के कसनिया ने तो इस करके मैं एक बार मिस्त्री को कसावे लेकिन हूँ इनू आरजी तौर पर ना कस ही लीए अज सही है ਉਹ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ 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 ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋ ਹਲੋ ਬਰਾ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦਾ कंबरे की हालत कुछ हाले तक खराब है झाड़ू वगैरह जरा क्या मारन वाला से झाड़ू मार के कोई नहीं गए से चलो बेगम साहबान कहने कोई सफाई वगैरह कमरे की करती है सौन का कोई बंदोबस्त होंगे मैनू ना बस एक रोटी तो थोड़ा जहा सालन बस इन्ना ही मैं देना पहले मेहमानों दे लेना फिर बाद चा मैं दे देनी है बह जो राबिया सिस्टर भी आ गई है चलो 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 शाबा शाबा सर्दी बहुत लग रही थी अलहमदुल्ला सारिया ने रल मिल के रोटी खाइए और सुबह नाश्ते दे विच बेगम साहबा अगे तुम दस रहे थे बेगम साहबा कह रही है कि आप ही दसेगी हलवा पूरी सुबह जिन्हें चक लेना बच्चे जरा वीट वूट ना देवे हाँ आटा वगैरह लिया के देता है मैदा या नहीं तो सुबह जरा नाश्ते में हलवा पूरी होगी और देखने होर की आंदा चने भी ले आवे सही है ना हलवा ते नाल चने ते नाल पूरिया ओके हो गया भाई साहब होरी उपर जरा ना चले गए ने ब्लॉग अपलोड करने वास्ते ये तो फिर जरा तुम दसिया कि यह मेरी मजबूरी है जाना ही पैंदा सानू हाँ पहुँच गए और असी बैठांगे दो कुर्सियां सामने पईयां होंदियां और अलहमदुल्ला बिजली अज कोई नहीं गई है ज़्यादातर बिजली जिहड़ी है ना बहुत ज़्यादा हुण जा रही है और रात का मंजर है जी साढ़े पिंड का चांद निकलिया होया है मसलन अंधेरी रात नहीं हैगी रोशनी वाली जिहड़ी रात इहनू पता नहीं चांदनियां रात हैगी चांदनियां सारी रात जिहड़ा हैगा ना साडा ए वाला जिहड़ा रोड हैगा ना चलदा क्योंकि मेन सिटी का रोड गुजरता है तो सारी रात ट्रैफिक जिहड़ी लंघदी रहिंदी है शोर जिहड़ा हैगा ना बहुत ज़्यादा हुंदा अगर ना बंदा विलेज थोड़ा जिहा विच खेतां वाली साइड ते ना फिर नींद जिहड़ी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है घर आंदिया ही ना बड़ा ही वड्डा सरप्राइज है लेकिन अज नहीं तुहानूं जिहड़ा ना दसांगे सुबह जरा है इंशाल्लाह सरप्राइज तुहानू दसांगे खास तौर पर बेगम साहबां वास्ते ना बड़ी ही वड्डी खुशखबरी है हाँ जी पहुँच आयो जिथे खोती हाँ जितने दिन ते ओ की सदन इत्थे है ना इत्थे जाके बैठना पेगा तैनू खलोना पेगा नहीं मैं तेरा कह रहा सी अच्छा कि दो दिन लाहौर मजे करके आया लेकिन जिथे दी खोती ओथे अन खलोती हां वैसे ना लाहौर जिथे हैगे सी नो ते सिग्नल बड़े जबरदस्त सी मौ सुकून अंदर बैठ के बंदा व्लॉग अपलोड कर ले 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लग रहे थे बस इत्थे काफी ज्यादा टाइम लगेगा हुण अज और अज माशाल्लाह ना रात नु सर्दी काफी कम है कल नालों क्यों उधर लाहौर च ज्यादा सर्दी सी भाई जान ये हमारा जो फैसला है ना घर वापस आने का हाँ वो तो मैं भी कह रहा हूँ जिंदगी का समझ लें कि हमने सबसे अच्छा फैसला किया है और देखने वाले भी कहेंगे क्योंकि रस्ते जो हालत सी ना तुसी देखी हो ट्रैफिक जाम परेशानी मैं सोच ऐसी पता नहीं हूँ की बनेगा घर भी पहुंचेगा साथ ही हम लोग जी फंस गए सामने मोटरवे अभी भी बंद था उस वक्त 2 बज रहे थे चलो जी व्लॉग करदे आं खत्म और बाकी तुसी दसना साडा ना जान दा 100% मेरे ख्याल फैसला दुरुस्त सी और इंशाल्लाह कल मुलाकात होंदी जी खुदा हाफिज़ अल्लाह निगेबान।